नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के साथ मैं हूं जिज्ञासा और आज मैं आप पहुंची हूं वर्ल्ड फर्स्ट ओएसएमएफ माउथ ओपनिंग ट्रीटमेंट ई कॉमर्स ऑफिस में। और ई कॉमर्स ऑफिस में आज डॉक्टर से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ई कॉमर्स ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं। क्या गुटखा पान मसाला के सेवन से कैंसर होता है? मुंह के कैंसर पेशेंट में 90% पेशेंट तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं। गुटखा पान मसाला बंद करने से क्या मुंह अपने आप खुलने लगेगा? नहीं, इसका इलाज करवाना जरूरी है। अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो क्या डिलीवरी हो जाएगी? बिल्कुल मिलेगा। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड, हम 25 सालों से मार्केट में हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। मेरा मुंह पान मसालों से कम खुलता है तो क्या ये समस्या है? जी हाँ, बिल्कुल। OSMF माउथ ओपनिंग DIY किट में क्या आता है? इट्स कॉम्बिनेशन पैक ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का घर बैठे इलाज हो सकता है क्या? यस, एब्सोल्युटली। और अब हम बात करेंगे कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट डेंटल सर्जन डॉक्टर भरत अग्रावत से। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि OSMF है, उसकी जो माउथ ओपनिंग किट है वो कैसे काम करती है और उसके 4 प्रोडक्ट है, उसका क्या उपयोग है? जिज्ञासा जी, OSMF जो माउथ ओपनिंग किट है, इसे पैक ऑफ 4 प्रोडक्ट आता है। वो 4 प्रोडक्ट क्यों है कि एक तो OSMF वीटा आता है जो आयुर्वेदा न्यूट्राश्यूटिकल प्रोडक्ट है। ये मसल्स और कार्टिलेज को हेल्प करती है, हीलिंग प्रोसेस फास्ट करती है। दूसरा प्रोडक्ट है OSMF ओरल जेल, जो फाइब्रोसिस हुआ है गाल, जो बकल मुकस के अंदर, गाल के अंदर, वहाँ पर ये अप्लाई करना होता है और 10 मिनट बाद उसके साथ ये यूनिक माउथ ओपनर डिवाइस से एक्सरसाइज करना पड़ता है, क्योंकि फाइब्रोसिस तो अंदर लोकली है, पर व्हाट अबाउट मसल्स? कि भाई ये मसल्स का और जो जॉइंट है जो स्टीप हो गया है, एक समझो घर का दरवाज़ा 5 साल से खोला ही नहीं है हमने, तो 5 साल के दरवाज़ा हम जाके सीधा खोलेंगे तो टूट जाएगा। हम पहले ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे और स्लोली स्लोली उसको खोलेंगे लाइक दिस। आज 5 साल से जिसका मुँह बंद हो गया है जो हैबिट से, तो उसको हम डायरेक्टली खोलेंगे तो नहीं होगा, पेशेंट को दर्द होगा। तो पहले हम जेल लगाएंगे अंदर, OSMF ओरल जेल, देन हम इससे फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज करेंगे इस तरह से। अब मार्केट में भमेड़ा भी आता है, लोग उससे करते हैं, पर मैं एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि जो ये मुंह बंद होता है OSMF वालों को, वन साइड होता है, एक साइड हैबिट रखने की वजह से बंद हुआ होता है, दूसरी बाजू तो चालू ही रहता है। तो भमेड़ा के क्या आएगा, अनइवन प्रेशर आएगा, अनइवन प्रेशर से कई बार TMJ का प्रॉब्लम हो जाता है, कट कट आवाज आता है। तो ये यूनिक डिवाइस सी शेप है, पूरा ओक्लूजन को जो पूरे दांत है उसको कवर करता है और एक्सरसाइज करेंगे। फिर रात को हम लोग लॉलीपॉप है वो अप्लाई करेंगे, पूरे मुंह में अंदर घुमाएंगे जहाँ जहाँ फाइबर है। लॉलीपॉप इसीलिए कि मुंह छोटा हो जाने की वजह से पूरा अंदर नहीं मेडिसिन पहुँचता है, तो इसीलिए ये लॉलीपॉप हमें पूरा 10 मिनट अंदर घुमाना है, बाद में सेम वही एक्सरसाइज। और दूसरा, OSMF ओरल जेल और लॉलीपॉप के बाद ऐसे आपको ऐसे ऐसे कभी मत करना, क्योंकि इसमें TMJ जॉइंट डैमेज हो सकता है। आपको ऐसे फूके फुलाना है, 1, 2, 3, 20 काउंट करके ऐसे करोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। मेरा एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से, अब 2 महीने का पैकेज लोगे तो 1 मंथ 1 फिंगर ओपन हो सकता है। बिल्कुल सर, ये किट है जो ओरल कैंसर के मरीज है उसके लिए भी उपयोगी है क्या? यस, ओरल कैंसर जो पेशेंट है, ओरल कैंसर को ऑलरेडी मुंह ओपन नहीं होता है, इसीलिए तो ओरल कैंसर होता है ये जो OSMF की वजह से, तो उनको सर्जरी के टाइम पर आधा जो निकाल देते हैं, आधा जो टंग कैंसर वॉट एवर जो भी ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट है उसको बाद में रेडिएशन देते हैं। इसको रेडिएशन इंड्यूस्ड फाइब्रोसिस, रेडिएशन के कारण फाइब्रोसिस हो जाता है, तो इनमें यही सेम वस्तु इफेक्टिव है। दूसरा, यूएसए ने भी रिसर्च किया है और अप्रूवल किया है, कुरकुमिन हैज ए एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, तो हमने कुरकुमिन अभी इसमें यूज किया हुआ है। जी सर, ये माउथ ओपनिंग किट है उसका उपयोग कैसे होता है और कितने समय तक करना है? मैंने अभी बताया ना कि मानो आपका 2 फिंगर है, तो 2 फिंगर वाला को 2 महीने का यूज करेगा तो 3 फिंगर हो सकता है। देट मीन्स कि 2 महीना का जो कोर्स है हमने पैकेज मिनिमम रखा है, इसीलिए रखा है कि आपका 1 फिंगर ओपन होगा ही।
दूसरा कि डिपेंड्स ऑन योर का कितने फाइबर है, कितने साल से मुंह बंद है। अब मानो 6 महीने से ही मुंह बंद है, आपको तीखा लगता है, आपका पान में जेरोस्टेम मीन्स के ड्राइनेस ऑफ द माउथ ऐसे सीवियर हो, ग्रेड 3 में हो, तो इट विल बी टेक्स टू लॉन्ग। ये माउथ ओपनिंग जो कीट है उससे फायदा होता है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। ओएसएम माउथ ओपनिंग किट इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट्स माय एक्सपीरियंस। पेशेंट मैंने बताया वैसे करेगा, रिजल्ट मिलता है और क्लिनिकल ट्रायल में भी ये पास हुआ और अवार्ड विनर प्रोडक्ट है मैडम जी। बिल्कुल। आईटी डायरेक्टर नरेश नजर से भी हम अब बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कब ये विचार आया कि जो माउथ ट्रीटमेंट का है उसको आपको ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना है? बेसिकली जिज्ञासा इसमें क्या है, जो अब तक हमारे पास पेशेंट्स आते थे डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक में, वो जनरली हम लोग जो है उनको फ़ोन पे ट्रीटमेंट दिया करते थे और फ़ोन पे क्वेरी किया करते थे। बट एक वक्त हमको ऐसा लगा कि उन तक अगर पहुंचना और उन तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, जो कि हमको यूजुअली फ़ोन पे बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया कि हमको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहिए। और ई कॉमर्स के थ्रू अब हम लोग दूर दूर तक रिमोट एरियाज़ में भी प्रोडक्ट भेज पा रहे हैं और कस्टमर्स उसका लाभ उठा पा रहे हैं। जी सर, आपने जैसे बोला कि दूर दूर तक आप भेज रहे हैं, कस्टमर भी लाभ उठा रहे, तो अब तक का बिक्री रेट क्या हुआ है? देखिए बेसिकली ई कॉमर्स का जो सक्सेस रेट आप पूछ रहे हैं वो अभी हमारा काफ़ी अच्छा है, जिस तरह से रिस्पांस हम लोगों ने प्लान करा था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद जो हम लोग अब तक देखा है, मंथ ऑन मंथ हम लोगों ने मोर देन 60% का ग्रोथ देखा है। हम पिछले 8 महीने से ऑनलाइन कस्टमर्स को प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं और सो फार रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स टाइम पे मिल रहे हैं एंड वो लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसका उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसका फ्यूचर आपको क्या लगता है और आगे जाकर इसमें क्या ग्रो हो सकता है? देखिए फ्यूचर तो ऐसा है कि इंडिया में राइट नाउ द ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पे है और जैसे आप देखेंगे बाकी ई कॉमर्स भी ग्रेजुअली लॉन्च हो रहे हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो लोग अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि आज जो इंडिया की जो ओवरऑल टोटल जनता है उसकी हार्डली 20% 25% पीपल ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सो हम ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में अगले 5 साल में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ग्रो करेगा और जो अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है उसके हिसाब से हम ऐसा मानते हैं कि ग्रेजुअली बहुत सारे लोग ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर आएंगे और वो लोग चीज़ों को बाई करना शुरू करेंगे। तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और उसका बेनिफिट ओएसएमएफ माउथ ओपनिंग किट को भी मिलेगा। ग्राहकों की जो पेमेंट सेफ्टी है और ऑन टाइम उसको अपनी प्रोडक्ट मिल जाए, उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हर एक वो पॉसिबल प्रिकॉशंस लेते हैं जो कस्टमर्स के पेमेंट की सेफ्टी दे सके, जैसे कि हम लोग हमेशा सिक्योर कनेक्शन ही यूज़ करते हैं। तो हमारा जो वेबसाइट अभी है वो ऑलरेडी सिक्योर कनेक्शन के ऊपर है, तो अगर हमारे वेबसाइट पे आप अगर अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप क्रेडिट कार्ड डाल रहे हैं और उससे परचेज कर रहे हैं, तो आप एश्योर्ड रह सकते हैं कि वो जो डेटा है वो कहीं पे भी कैप्चर नहीं हो सकती है, बिकॉज वो हम इंक्रिप्शन मोड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो पेमेंट डेटा हमारे पास आती है, हमारे पास सिर्फ वो पेमेंट गेटवे के थ्रू फाइनल कन्फर्मेशन ही आता है और हम लोग किसी तरह का कोई डेटा कैप्चर नहीं करते हैं। और जहाँ तक डिलीवरी की बात है, कस्टमर्स को आज की रेट में जो हम डिलीवर कर रहे हैं, दूर दूर तक के कस्टमर्स को हम बहुत आसानी से 7 से 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट पहुँचा पा रहे हैं और उनको वो सक्सेसफुली प्रोडक्ट मिल भी रहा है। और एक ये भी बात है कि ऑनलाइन सेल्स में आप COD स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बिकॉज आज के डेट में मोस्टली हम ई कॉमर्स जो देखते हैं वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है, बट हम वो चीज़ अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि अभी जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बहुत दूर दूर तक रिमोट एरिया के कस्टमर्स हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जो मेन स्ट्रीम कुरियर कंपनीज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डिलीवरी करने के लिए, वो कंपनीज अभी भी केपेबल नहीं है उस रिमोट एरियाज तक पहुंचने के लिए। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ जो हम अभी एट प्रेजेंट कुरियर के लिए यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा इंडिया पोस्ट, और इंडिया पोस्ट ही एक ऐसी पोस्ट एट प्रेजेंट अवेलेबल है जो किसी भी रिमोट एरियाज के जिप कोड को भी सर्व कर पाती है। बिकॉज ऑफ दैट हम उनकी सर्विस यूज़ करते हैं ताकि हम दूर दूर तक कस्टमर्स को पहुँच सके। हमारी जो भी प्रायोरिटी है वो है कस्टमर ट्रीटमेंट और उन तक प्रोडक्ट पहुँचाना, इसीलिए अभी हम COD नहीं कर पा रहे, बिकॉज इंडिया पोस्ट ने अभी तक COD ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं करा है। वी आर लुकिंग टूवर्ड्स इट, जैसे ही वो ऑप्शन अगर इंडिया पोस्ट में अवेलेबल हो जाएगा हम भी हमारे कस्टमर्स को कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवा देंगे, बट तब तक हमको किसी तरीके से, चूँकि हमारा प्रायोरिटी है कस्टमर्स तक पहुँचना, तो हम लोग थोड़े से स्लो कुरियर पोस्ट में है, बट दैट इज़ वो एटलीस्ट इंश्योर कर रहा है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट
टाइम से मिल जाए और उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग भी कस्टमर्स को आती है। और बेस्ट पार्ट यही है कि अगर कस्टमर कितना भी दूर क्यों ना बैठा हो, जैसे ही हम यहाँ से कुरियर सेंड करते हैं उनको, हम उनको ट्रैकिंग कोड दे देते हैं और वो प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं कि कितने टाइम में उनको प्रोडक्ट मिल जाएगा और हमको भी पता चल जाता है कि प्रोडक्ट उन तक पहुँच गया। जी बिल्कुल। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या है? अगर मुंह स्वच्छ और स्वस्थ ना रखे तो क्या ये बीमारियों का घर भी बन सकता है? कर्तव्य, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी। मैंने डेंटल क्लिनिक ओपीडी में काफ़ी ऐसे पेशेंट्स देखे जिनको मुंह ना खोलने के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। उनको मुंह में छाले रहते हैं, फिर उसके कारण उनको खाना तीखा लगता है और वो मुंह में जलन जैसी इफ़ेक्ट महसूस करते हैं और वह मुंह कभी कभी बराबर बोल भी नहीं सकते हैं, वो उसके कारण, जिसे हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो OSMF है। OSMF जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, उसके कारण वो बराबर मुंह नहीं खोल पाते। दैट लीड्स टू देम नॉट मेंटेनिंग टू देयर ओरल हाइजीन। जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते तो उसके कारण वो अच्छे से ब्रशिंग ना ही अच्छे से क्लींजिंग कर पाते हैं, जो दांत सड़ने लगते हैं, उनके दांत सड़ने लगते हैं और ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जो हम पाहेरिया कहते हैं। फिर दूसरा आया कि OSMF जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, उसका अगर लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो वह 100 में से 15 लोगों को ओरल कैंसर की तरफ लीड करता है। धन्यवाद। आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इस किट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? हेलो, मैं क्रिश बारोट, मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ। पूरे भारत में बड़े शहर से लेकर छोटे शहर और गांव में पान, सुपारी और गुटखा लोग ज़्यादा खाते हैं। मेट्रो सिटीज़ के साथ साथ हम हमारी किट आम आदमी तक भी पहुंचा सके, इसलिए हमने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है www.osmfmouthopeningkit.com। उसमें आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल और अन्य भाषाओं का भी उपयोग करके देख सकते हैं। वहाँ से प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेने के बाद आप उधर ऑनलाइन खरीदी का भी ऑप्शन दिया गया है। पेमेंट मेथड जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और अन्य ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आपके एक किट खरीदने के बाद हमारे बहुत से नेटवर्क डेवलप्ड है छोटे छोटे शहरों और गांव में पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। जिन लोगों को मुँह खोलने का ऑपरेशन नहीं करवाना है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे आयुषी? जिन लोगों को मुंह ना खुलने की समस्या है या जिनके मुंह में छाले पड़े ऐसे सिम्टम्स है और वो सर्जरी करवाना नहीं चाहते, उनके लिए और वो लोग घर बैठे आसानी से उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, उनके लिए हमारा OSMF माउथ ओपनिंग किट बनाया गया है, जिसमें 4 प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। थैंक यू।